करीबन या मजे में घूम रहा है, फटे हो नहीं, फटे हो नहीं, फटे हो नहीं, घर से दूर लेके जाओ उसे, और यहाँ पीछे का भी डर है, और मैं बैठ के क्या बैठ के। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड, दिस इज़ द फोर्थ एपिसोड, और इसमें हम कोशिश करेंगे कि घर पूरा हो जाए। वैसे नहीं होने वाला, मैं पहले बता दूँ, क्योंकि इसमें जितना हो सकता है मैं उतना एक्सटीरियर का करूँगा, और नेक्स्ट एपिसोड में भी एक्सटीरियर का ही होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है इसमें, क्योंकि मेरे को ना एक एक करके सारा सामान भी बनाना पड़ेगा। ऐसे तो यानी कि मेरे पे रेडली अवेलेबल पड़ा है, तो उस चीज़ की प्रॉब्लम है, इसलिए इसके बाद एक और एपिसोड होगा जो एक्सटर्नल का ही सारा बनाना पड़ेगा, एक्सटीरियर का सॉरी। उसके बाद इंटीरियर का बनेगा। अभी तो मैं वॉल्स पूरी कंप्लीट कर रहा हूँ, फिर वॉल्स के ऊपर की थोड़ी डेकोरेशन टाइप जो होनी है वो करूँगा, और इसके अंदर ना फार्म बनेगा ग्राउंड फ्लोर पे, तो उसका भी करेंगे। तो अभी तो वॉल्स ज्वाइन कर रहे हैं, सबसे पहले जितनी जल्दी हो सकता है मैं कर रहा हूँ। इसे पूरा कट भी कर देंगे, क्योंकि ये मेरे को ना वाला कलर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, वाइट वाला, इसलिए ना ये करना ही पड़ेगा। वैसे तो ये घर बिल्कुल अच्छा नहीं लगने वाला, मैं पहले बता दूँ, ये टेम्परेरी, मैं बहुत पहले भी दो चार बार बता चुका हूँ, टेम्परेरी हाउस ही है ये, क्योंकि ये मेरे पे वुड्स बिल्कुल नहीं है, इसके अलावा ब्रिज के अलावा मेरे पे कोई भी टाइप की एक 1:37 लेटर, और रात हो चुकी है ये करते करते, ये साथ ही साथ मैं सारे ज्वाइन करता जा रहा हूँ। यहाँ पे ना स्टेयर्स बनेंगी यहीं से, मतलब मेन ना एंट्रेंस यहीं से है। अभी यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, फिर इसको थोड़ा स्टैंड करेंगे, सामने से एंट्रेंस होगी, और पीछे बैरल टाइप चीज़ें लगा दूंगा मैं। हाँ शायद बैरल था, पता नहीं, एक कुछ था, मतलब जिसमें ना हम सामान वामान रख सकेंगे अपना, फार्म से रिलेटेड ही रख लूँगा, मतलब खाना वगैरह या सीड्स वगैरह, क्योंकि नीचे वो होगा क्या कहते हैं फार्म, तो ईजी रहेगा ना, वहीं पर उससे रिलेटेड चीज़ें होंगी, तो फिर मेरे को कोई दिक्कत नहीं होगी ना दूसरे अलग से उसके लिए चेस्ट वेस्ट या उसके एरिया बनाने की। वहीं का वहीं से हम सीड्स से सीधा, सीड्स कह रहा हूँ, सीड्स या इतना, हाँ सीड्स का कंपोस्ट द नेक्स्ट डे। तो नई शुरुआत, तो मतलब नया दिन, और ये इतने सारे ज़ॉम्बीज क्यों आ गए, बहुत प्रॉब्लम देते हैं यार ये ज़ॉम्बीज, ये बीटी है, बीटी देते हैं, मतलब थक भी गया मैं ना काम कर करके, क्या करें, इतना लकड़ियाँ वकड़ियाँ यहाँ से लेके जाना, फिर वहाँ लगाना, फिर उन्हें कटवट भी करना, बहुत ज़्यादा थक जाता हूँ मैं। और आप लोग लाइक भी नहीं करते यार, बताओ कैसे काम चलेगा, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो, अच्छा लग रहा है मेरी वीडियोस तो, और कमेंट करके भी बताता रहा करो क्या क्या मैं कर सकता हूँ आगे के एपिसोड्स में, और कुछ भी अच्छा लग रहा है कोई पार्ट तो भी बता सकते हो, तो भी इसे पूरा भरेंगे हर जगह, क्योंकि वुड प्लैंक्स ही आने हैं ऊपर के एरिया में, नीचे तो कॉबल स्टोन ही रहेगा, नहीं डर्ट आ जाएगी ना क्योंकि फार्म है वहाँ, कुछ एरिया में डर्ट होगा, कुछ में स्टोन लगा देंगे, क्योंकि थोड़ा अलग होना चाहिए ना कॉबल स्टोन से। कुछ एरिया में लगा देंगे हम स्टोन, सही रहेगा इसे। कर दिया है पूरे इस एरिया में, इस एरिया में रहता है बस, यहाँ से भी करते हैं फटाफट, और ये पूरा अब यहाँ स्टेयर्स बनेंगी, तो यहाँ पे लगाते हैं पहले, यहाँ से ऊपर तक जाएगा चार पाँच पता नहीं कितना, पाँच था मेरे ख्याल, फिर ऐसे चार यहाँ, फिर तीन यहाँ, एक यहाँ, हाँ तो फिर वो चार पता नहीं क्या देख रहा है, दो तीन चार पाँच नहीं था ये क्या था, चलो यार देखा नाम लगा मेरे को, उससे समझ नहीं आया थोड़ा, पर अब देख लो, एक दो तीन चार ही लगे यहाँ भी शायद, देख लो अगर आपको देख के बनाना है तो वीडियो को पॉज करके उसको देख सकते हो, क्योंकि मैं तो करता जा रहा हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। हाँ वैसे मैंने चार तीन दो एक लगाना, हाँ ठीक है, मैं कंफ्यूज हो रहा था पाँच और चार में, चार तीन दो एक है, और मैं भूल गया इसे वैसे लगाना है, क्योंकि सामने के लिए ऊपर फिर अच्छा नहीं लगेगा ना, तो जो कट के हैं मैं वही वाले लगा रहा हूँ, फिर नहीं तो वो वाले दूसरे तो भी वेस्ट ही है ना मेरे, और किसी काम के नहीं है। तो मैंने कर दिया हर जगह, बस यहीं यहीं कर रहा था, फिर गलत लग गया, बहुत बार मेरे से गलत लगा है, और मेरे को यहाँ काम करते टाइम इससे यहाँ डर भी लग रहा है, क्योंकि नीचे गिरा तो सारा सामान जाएगा, और बहुत कुछ सामान मेरे पास है। तो इतना पार्ट कम्प्लीट हो चुका है,
अब यहाँ पे स्टेयर्स लगाएंगे इसे कि कितने स्टेयर्स चाहिए, 24-28 काफ़ी होंगे, इतने पूरी पड़ेंगे मेरे ख्याल से, इतना लगता है नहीं, तीन तीन के मैं पूरी तो नहीं, या तो कम होंगी या ज़्यादा होंगी, ज़्यादा ही होंगी वैसे, 327 होंगी मेरे ख्याल से, देखते हैं, 27 का तो इतने में लग गया इतने, यस देखा मैंने कहा था ना 16 बचे, 12 लग गई तो। और अब यहाँ पे टावर्स उठाने हैं, फिर उन्हें ज्वाइन करना है, ओह बहुत मेहनत का काम है, ये कहाँ लग गई, अब यहाँ से वहाँ ज्वाइन करूँगा मैं, वहाँ तक जाऊँ इससे बड़े मैं डायरेक्ट यहीं से ज्वाइन करके चलता हूँ, सही रहेगा, ये तो बार बार बहुत टाइम वेस्ट होगा नहीं तो। और वहाँ कॉर्नर के उसमें नहीं करना है, वहाँ पे सिर्फ स्टेयर्स का वो होगा बालकनी टाइप, तो उससे टावर नहीं बनना, यहीं से ज्वाइन करना है बस, उधर बाकी सब में तो लगना ही है, बस एक कॉर्नर का वो वाला ब्लॉक ही छोड़ना, तो वहाँ से क्योंकि बालकनी की जगह चाहिए ना, इसलिए बाकी पीछे तो कोई इतनी बालकनी पीछे तो नहीं होती है मोस्ट में, तो यहाँ से ज्वाइन करते चलते हैं, ये हो गया, अब यहाँ से कनेक्ट करना है, ये कर दिया, और यहाँ बीच में पूरे में प्लैंक्स लगने हैं, और ये पूरा एरिया फिर वापस कट होना है उससे, एक्स यहाँ लगाना था क्या, ध्यान नहीं आ रहा, तो चलते हैं फिर यहाँ से भी, सही कर रहा हूँ ना मैं, चलो देख लेंगे, अभी यहाँ पे भी लगा दिया है, और यहाँ से एंड तक जाएगा, यहाँ तक है क्या, चलो अभी यहाँ पे करते हैं, एंड तक जाना है फिर, हो तो मैंने इतना कंप्लीट कर दिया है, अब यहाँ से ज्वाइन करना है, अब इसे कट करेंगे, और मैं गलती से मैंने ये वाला लगा दिया, मैं वही कहूँ मैं कुछ तो गलत कर रहा हूँ, मैं कंफ्यूज हो रहा था वही बार बार कि वहाँ लगाना है यहाँ लगाना है, तो अब इतना पार्ट बाकी का हम इसे कट कर देंगे, जो भी कहते हैं समझ जाओ, ये कट करते चलेंगे साथ के साथ, बाकी नीचे के ब्लॉक्स में नीचे उतर के ही करूँगा, ऊपर के ऊपर से ईजी रहेंगे तो ये कर दिया, ये भी, और ये सारे ऊपर के तो हो गए, अब नीचे के नीचे जाके करने पड़ेंगे, ये बहुत बेकार था, वाटर MLG भी मैं इतनी गंदी बताओ, नीचे पानी डाला हुआ फिर भी डैमेज तो आएंगे, बहुत बेकार था ये तो, ओह रिग्रेट हो रहा है मैंने क्यों किया, इससे बढ़िया तो डायरेक्ट कूद जाता, वैसे मैं अगर आप लोगों ने मेरे शॉर्ट्स के चैनल नहीं देखा है तो वहाँ पे मैं इसकी MLG की वीडियोस डालता हूँ, कभी कभी मैंने पहले डाल रखे तो बहुत टाइम से डाली नहीं, तो वहाँ मैं कम से कम 100-200 के हेड से भी MLG कर लेता हूँ, और यहाँ मैं 2-3 व्लॉग भी नहीं कर पाया, शिट यार, और रात भी हो चुकी है, वैसे घर मेरे को अभी तक तो इसका बाहर का बहुत बढ़िया लग रहा है, पर प्रॉब्लम ये है कि दूसरी वुड नहीं है तो बढ़िया नहीं लगना ये, चाहे मैं कुछ भी कर लूँ, क्योंकि अब देखो अब यही सेम कलर पूरे उसमें लगेगा तो कहाँ से अच्छा लगेगा, अब जो मैंने ये चीज़ की यही सेम यहाँ पे करनी है अब इनके यहाँ स्टेयर्स भी लगने हैं जो मैं अगले दिन लगाऊंगा, क्योंकि रात में तो काम माइनक्राफ्ट में बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा रिस्की है, और मैं क्रीपर के आने का रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकता, मैं अभी बोल रहा था क्रीपर के आने का रिस्क, क्रीपर आ गया, क्यों पीटी देते रहते हैं ये, स्पाइडर ऊपर नाच रहा है क्रीपर यहाँ मजे में घूम रहा है, फटियो नहीं, घर से दूर लेके जाओ उसे, और यहाँ पीछे का भी डर है, और मैं बैठ के क्या नहीं, ओ पछका मैं बोला था मैं गया, या तो मैं उसके वैसे फटने से मर जाता या फिर नीचे गिर जाता तो भी सारा सामान, क्या है यार बहुत प्रॉब्लम देते हैं क्रीपर्स भी तो अब क्या है, मेरी क्राफ्टिंग टेबल उड़ा दी ना, हाँ तो क्राफ्टिंग टेबल बना ली है,
अब यहाँ से कोबलस्टोन की स्टेयर्स बनाएंगे जो हमने ऊपर अभी बनाया था ना यहाँ पे, और दूसरी साइड वैसे ये पूरे उसमें ही कवर होएगा उतना, तो अभी यहाँ पे लगाते हैं सबसे पहले, क्योंकि पीछे का है तो पहले ये करके ख़त्म करते हैं, सामने का तो हम वैसे ही ध्यान देना ही है। ये गलत लग गई, हमें सीधी लगानी है, ऐसे लगानी पड़ेगी, फिर ऊपर जाना पड़ेगा। और ये पहले यहाँ से साइड लगानी है, समझ गए होगे वैसे मैं क्या करना चाहता हूँ, ऐसे ही ऊपर ऊपर लगती जाएगी। स्पाइडर भी बहुत घूम रहे हैं, इसको भी मारूंगा अभी, पहले अपना काम पूरा करते हैं फिर इसको बताता हूँ। तो यहाँ पे उल्टा करके लगेगा, फिर इसके ऊपर सीधी, फिर वही सेम चीज़ उल्टी, फिर सीधी, यहाँ पे दूसरे टाइप में लगाने में, यहाँ से ट्राई करता हूँ अगर सही लग गई, नहीं तो फिर वापस नीचे जाके लगाऊंगा, वापस वही जो चीज़ यहाँ पे की वापस, सॉरी जो वहाँ पे की वही यहीं पे करनी है, वैसे ही सारी स्टेयर्स लगेंगी, बस लग जाए, नीचे जाके ना बहुत दिक्कत वाला काम है। यहाँ लग गई, ये उल्टा करके यहाँ लग गई, यहाँ सीधी वापस उल्टी, चलो लास्ट ही, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये सीधी, चलो यहाँ की तो हो गया, यहाँ का कोई वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। अब नीचे जाओ, अबे यार फिर वही चीज़, क्या हो गया मेरे को, अरे ये क्या था, अब तो पानी में ही कूदा फिर भी डैमेज, छी यार छी, बहुत नूब वाली हरकतें कर रहा हूँ मैं, पता नहीं है। और मैंने ऊपर का सही लगाया, मेरे को लगा मैंने गलत लगाया, सही लगा रहा था वहाँ से, अब वही जो चीज़ वहाँ की वही सेम चीज़ यहाँ भी करनी है हमें। चढ़ते हैं यहाँ भी, और यहाँ से पूरा कह रहा था ना मैं कि लगना है पूरा, तो ऐसे ही यहाँ से जाएगा, पूरी आउटलाइन होनी है इसकी कॉबल स्टोन की स्टेयर्स की, और ये गलत लग गई, हटाते हैं इससे, और ऊपर पहले इसको मारो, बहुत दिमाग खराब कर रहा है, इधर उधर इधर उधर, हट मर गई, दो उसकी डैमेज में मर गई है, और यहाँ से मारे इसमें ऐसे घूम रही है, पता नहीं क्या कर रही। चलते हैं अब यहाँ पे, पहले यहाँ पे लगाना है, यहीं से फिर ऊपर ऊपर चढ़ते जाएंगे, यह लगाया, अब इसके उल्टा लगेगा यहाँ, फिर ऊपर, फिर वापस उल्टा सीधी, अब यहाँ पे लगानी है, ये सीधी लग जाएगी, मेरे को जितना लगता है ना ये ऊपर की सीधी नहीं लगती, पहली बार भी मेरे को लगा था कि नहीं लगेगी, पहले वो लग गई चांस के बाद से, लग गई सीधी, यहाँ एक और सीधी आएगी, आ गई, यहाँ उल्टी, फिर से सीधी, फिर उल्टी, और ये सीधी, फाइनली ये थोड़ा सरदर्दी वाला काम होता है जो हो चुका है। अब यहाँ से नीचे जाते हैं, शुक्र है इस बटन में, और सही लगे हैं सारे स्टेयर्स, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं यहाँ से, स्टेयर्स और बनानी है क्योंकि पूरे में कवर करना है एरिया, तो यहाँ से तो हम लगा ही चुके हैं ना, तो दूसरी साइड से चलते हैं, यहाँ से जाएगा नहीं पानी, हाँ ऊपर से चढ़ के जाते हैं, यहाँ से इजीली आ जाएंगे ना, तो यहाँ से चालू हो जाते हैं हम, ये इधर। मैं जब तक ये कर रहा हूँ, अब जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और कमेंट करके भी बताते रहो कि मैं क्या करूँ, वीडियो अच्छी लग रही है तो उन्हें शेयर करते रहो, और क्या कर सकते हो, और जो भी कुछ कर सकते हो करते रहो यार, एंटरटेन में आपको पूरी कोशिश कर रहा हूँ, करता रहूँ, तो मैं उससे भी सजेशंस करते रहो कि मैं क्या और कर सकूँ ताकि आप लोग और एंटरटेन हो सकें। चलो अभी तक कर दिया, अब ऊपर के ये कौन सा है, ब्रिज की स्टेयर्स लगेंगी, इसे कवर करेंगे, कर चुका हूँ मैं, रात हो चुकी है करते करते, और ये लास्ट लगा रहा हूँ मैं, दिस इज़ द लास्ट फॉर दिस। चलो थैंक्स फॉर वॉचिंग।